अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज रेसिपी बताने वाली हूँ जो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है जो मेरे घर में सभी को पसंद आई और ये आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है। और इसमें सिर्फ आपको 2 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तो, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हमने बनाया पपड़ी चाट और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर चिकन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल लिए और मैंने उसको काट के नमक मिर्च और मैदे के पाउडर में मैंने डाला। और उसके बाद मैंने इसे हल्का सा एग में भी डिप करा और इस तरह से मैंने इसे कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी। फिर इसे थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट करीब फिर मैंने इसे निकाला और फ्राई करे। तो ये एक चिकन का मैंने पीस लिया था, थोड़ा बड़ा मम्मा ने मुझे दिया और मैंने उसका बनाया। पहले से ये फ्राइड थे, इसलिए फ्राइड होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। अगर आपको जल्दी है तो आप इन्हें फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बट फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर स्प्रिंकल करा और फिर मैंने इसे खाया। साथ में पकौड़े बने थे और केक। तो केक तो हमने बड़े मज़े से खाया और फिर केक किस खुशी में खाया, क्योंकि मैं क्लास लीडर बन गई थी। और फिर यहाँ पे हमने ये पकौड़े खाए किस चीज़ के, गोभी के, फूल गोभी। फिर हम गए हुए थे गार्डन घूमने, तो यहाँ पे ये प्यारा सा वाटरफॉल था और प्लांट्स भी लगे हुए थे। यहाँ पे रोजेस थे और ये वुड का बना हुआ था और इसके अंदर लाइट भी जलती है, बट अभी यहाँ पे नहीं चल रही थी। और हम बैठे और यहाँ पे हमने कुछ कुछ देखा। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं फिर गई थी एक पार्क और वहाँ पे हमने झूला झूला, हमने ना सही में बहुत इन्जॉय करा। और हम जैसे पापा की जो छुट्टी होती है ना, जैसे संडे को हमारी भी छुट्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, पार्क जाते हैं घूमने। संडे के दिन हम आराम करते हैं, देर तक सोते हैं और इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे फूड्स बनते हैं, जैसे इडली, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो सुबह सुबह लेट उठे, हमने इडली खाया। उसके बाद फिर हम दोपहर में थोड़ा सा सोते हैं, फिर शाम को हम घूमने निकल जाते हैं और हमने अपनी इडली इंजॉय करी। और भाई ना इस पे बैठ गया था और फिर हमें फिर नेक्स्ट डे एक बहुत ही बढ़िया सा मुझे मौका मिल गया तैयार होने का। और आप लोगों को मेरा मेकअप जो जैसे मैं मेकअप करती हूँ वैसे करने का, तो सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया स्विस ब्यूटी का। देन ये स्विस ब्यूटी की मेरे पास ये मेरे स्किन को अच्छे से कलर देती है और ये नेचुरल भी दिखता है, इसलिए मैंने इसे लगाया। उसके बाद मैंने कंटूर करा और मेरी स्किन पिंक टाइप की दिख रही थी, क्योंकि मैं आपको पूरी स्किन नहीं दिखा सकती इसलिए ऐसा दिखा रही हूँ। फिर मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड करा, अप्लाई करा, फिर मैं लगाने लगी पाउडर, क्योंकि पाउडर लगाना सही है, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर आपको लगाना ही होता है पाउडर। और बच्चे अपने स्किन पे मेकअप अप्लाई ना करें, क्योंकि मुझे कभी कभी मौका मिलता है इसलिए मैं कर लेती हूँ, बाकी आप लोग नहीं करिए रोज़ रोज़। और फिर मैंने आई शेडो पैलेट उठाया, क्योंकि ये थोड़ा सा टूट चुका है क्योंकि गिर गया था और दुखी की बात है कि इसके ढक्कन नहीं रहा, इस दुनिया से चल बसा बस। उसके बाद फिर मैंने ब्लशर लगाया और आई शेडो लगाया, फिर मैंने लिपस्टिक लगाया क्योंकि मैंने ये ऑर्डर करा था ऑनलाइन। ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे 4 शेड्स मिले, अभी तो मुझे बाकी के शेड्स नहीं मिल रहे हैं। और ये थी मेरी आउटफिट। लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ और पहनना पड़ा क्योंकि इसकी ज़िप टूट गई थी और कोई बनाने वाला नहीं था इतने फास्ट, और अभी मैं बनवा भी नहीं सकती थी। फिर मैं बनवाऊँ और फिर पहनूँ, ऑलरेडी हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे, प्लस मुझे जो लॉकेट पहननी थी वो भी टूट चुकी थी। तो मैंने जैसे तैसे बनवाया, फिर हमने खाया चाट जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कंकड़ थे उसमें, तो मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैंने नहीं खाया।
फिर हमने डोसा खाया जो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंकल तैयो एटीट्यूड में स्टार बन के बना रहे थे जैसे इन्होंने डिप्लोमा कराओ। जस्ट नाउ आपको मेरी स्माइल ग्रैनी जैसे लगी ना, मुझे तो लगी। और फिर भैया गर्मा गर्म डोसा बनाने लगे। इसके बाद इन्होंने मसालेदार आलू लगा दिया, फिर इसे कट करा और फोल्ड करके हमें दे दिया, फिर हमने खा लिया। और फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं उठी The next और फिर day. मेरा कुछ खेलने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए। और मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और अभी हो भी रहे हैं। अभी तो मेरे एक्टिविटी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ मेरे सारे सब्जेक्ट के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स के टाइम में आप लोग फ़ोन ना तो चलाइए। मैं कुछ भी नहीं फ़ोन चलाने वाली हूँ। ये मेरे बचपन की फ़ोटो है और शायद हो सकता है कि मैं आप लोगों को तो फिर हो सकता है कि मैं आप लोगों को व्लॉग्स ना दे पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे उसका भी पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम छोड़ के व्लॉगिंग करूँ। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर की पेस्ट्री खाई, हम लेकर आए थे, मेरा भाई तो पहले से ही लेकर खड़ा हो गया था, पहले मुझे दो। और हमने दाबेली भी खाई, तो ये दोनों हमने बहुत इंजॉय करा। और रेसिपी जो मैं आज आप लोगों को वंडरफुल रेसिपी बताने वाली थी, वो रेसिपी आगे है। तो यहाँ पे ना मेरा भाई, और लिटरली मैं बता रही हूँ, जब मैंने भैया से पूछा कि ये पाइन एप्पल फ्लेवर है ना, सॉरी, तब भैया ने बोला हाँ बेटा पाइन एप्पल है। उसके बाद जब मैंने घर आके फर्स्ट बाइट ली, मुझे लगा कि शायद टेस्टिंग में मुझसे कोई गलती हो गई है। तो मैं दोबारा जब नेक्स्ट बाइट ली, ऐसे होती नहीं है बट फिर भी मैंने लिया, तब मुझे समझ में आया भैया ने तो ठग दिया, ये पाइन एप्पल फ्लेवर नहीं है। और ये पेस्ट्री टेस्टी थी क्योंकि ये वनीला फ्लेवर की थी, ना ही पाइन एप्पल। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई ना, तो मैं ये पेस्ट्री याद कर रही थी। और फिर यहाँ पे आपको ये वंडरफुल रेसिपी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ क्यूब, कुछ ये वाली मिर्ची चाहिए, और दूध ऑप्शनल है क्योंकि मैंने डाला है, आप चाहो तो डालना वरना नहीं डालना। तो आपको एक पैन लेना है और उसे ना गैस पर मीडियम फ्लेम में, जो इसके ऊपर जब आप वॉश करते हो ना तो पानी रह जाता है, तब वो जब आपका पैन एकदम ही सूख जाए तब तक इसको आपको सुखाना है। और ये सूखना शुरू हो गया था। फिर जब ये सूखा तो मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा, दूध है ना उसका आधा कप या आधा आपको पानी लेना है। और इन मिर्चियों को आपको लंबे लंबे काटने हैं। आगे बता रही हूँ मैं, एक ही वीडियो में सब बता दूँगी क्या? फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था और मैंने यहाँ पे दूध डाला, तो ये जाते ही साथ बॉईल होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने इसमें चीज़ डाल दी और फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इसे फ्लेवर देने के लिए। उसके बाद मैंने इसे स्टर करा और चीज़ मेल्ट होते तक इसे पका लिया। और अच्छी इसे तरह कुक से करना है जब तक आपकी पूरी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। आप इसे किसके भी डाल सकते हो, जल्दी से मेल्ट हो जाएगी ये और आपकी गैस भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें चीज़ है तो ये सभी खाने वाले हैं। और इसमें मिर्ची भी है, तो ये मिर्ची ज़्यादा मिर्च इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती बट ये मिर्ची होती है। तो फिर मम्मा ने ये बनाया था, मिर्ची बनाई थी इन्होंने, तो ये तो नहीं थी उतनी ज़्यादा। फिर मैंने अपने जो मैंने डाला था और जो मैंने चीज़ क्यूब बचा के रखा हुआ था छोटा सा, वो चीज़ क्यूब मैंने ऐड कर दिया। और फिर मैंने अपनी चिलीज़ ऐड कर दी और चीज़ सॉस डालने के बाद थोड़े से पानी के साथ मैंने इसे अच्छे से कुक करा जब तक ये थिक ना हो जाए, यानी लटपटा ना हो जाए, आपस में अच्छे से मिल ना जाए। और इसे कुक करके आपने मस्त ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया है। आपको एकदम ही पानी ऐसे ग्रेवी नहीं रखना है बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ऐसा रखना कि आप इसको राइस या रोटी के साथ खा पाए। ट्रांसपेरेंट ये तो वैसे मुझे राइस के साथ बहुत अच्छा लगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगा बट उतना नहीं जितना मुझे राइस के साथ अच्छा लगा। तो आपको इतना कुछ मेंटेन करना है। और ये पूरा मेरा नहीं है, ये जो मिर्ची है ना जो मम्मा ने बनाया था, वो
सबके लिए है, मैं इतना सब कुछ अकेले नहीं खा पाती। और मैं आपको टेस्टिंग के लिए बस इस पैन में से लेके बता रही थी, और मेरे भाई ने भी थोड़ा लिया। वैसे हम इतना सारा खा नहीं सकते, पहले तो इसका मुंह बन गया था, फिर टेस्टी बोला। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।